हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी बीच ऑफ पाठपन अकेडमी। अभी एक बजे वाली क्लास हो रही थी आपकी, जिसमें से लाइव क्लास में नेट कनेक्टिविटी डिसकनेक्ट हो गया, तो मुझे लगा यार बच्चों का नुकसान ना हो, इसीलिए ये वीडियो रिकॉर्ड करके जैसे ही नेट कनेक्टिविटी आया मैं इसे अपलोड करवा दूंगा, यानी करवा दिया हूँ तभी आप देख रहे हो। ठीक है, तो क्षमा चाहूँगा इसके लिए। यार देखो, लॉकडाउन के कारण सब मजबूर है ना, मैं वाईफाई वालों को बोल सकता हूँ जो नेट कनेक्टिव सर्विस प्रोवाइडर है, ना मैं अपने आप को कोच सकता हूँ, ना कुछ और है, सरकार भी मजबूर है। तो इसीलिए बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास करना, लेकिन आपको क्लास हैम्पर ना हो इसीलिए इस वीडियो को लाना जरूरी समझा। ठीक है, चलिए तो मैं फिर से बता दूँ कि अनअकैडमी पे मेरे DRDO के कोर्स, SSC का कोर्स और RRB का कोर्स बिल्कुल रैपिड फायर की तरह चल रहा है। तो बिल्कुल अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पोर्ट्स इन इंडिया, यानी सबसे पहले बात करें तो पोर्ट इन इंडिया यानी जो बंदरगाह है भारत में, सर इसको हैंडल कौन करता है? तो ये संवर्ती सूची में देखने को मिलता है। संवर्ती सूची यानी अनुसूची सात हमें क्या क्या है सर? केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो ये संवर्ती सूची में है क्योंकि राज्य का भी विषय बन जाता है। क्यों भाई? जो कोस्टल स्टेट हैं ये वाले भाग जो है वो कहाँ जाएगा, ये भाग कहाँ जाएगा, इनकी भी तो अपनी कुछ है, इसीलिए इसे संवर्ती सूची में रखा गया है। केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय प्रमुख और छोटे बंदरगाहों को संबंधित तटीय राज्यों द्वारा प्रशासित किया जाता है। किसके द्वारा? तटीय राज्यों द्वारा प्रशासित किया जाता है। तो कितने तटीय राज्य हैं आपको पता होना चाहिए कि सर कुल तटीय राज्यों की संख्या 9 है। कितने? 9 है। तो कौन कौन सा है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। 13 कौन कौन? 12 जो सरकार के अंदर और एक प्राइवेट है, एक प्राइवेट बंदरगाह है। तो यहां से शुरू करें, जैसे कांडला गुजरात, महाराष्ट्र मुंबई, मार्मगोवा गोवा, जवाहरलालपुर नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र, मैंगलोर कर्नाटक, कोचीन केरल, तूतीकोरिन तमिलनाडु, कराईकोल जो पड़ता है पुडुचेरी में लेकिन ये तमिलनाडु में पड़ेगा, चेन्नई, एन्नौर, कृष्णापट्टम, काकीनाडा, वाइजाग, पारादीप, कोलकाता। तो ये वेस्ट बंगाल है, पारादीप आपका पड़ गया, उड़ीसा, वाइजाग, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। तो इधर 4 राज्य हैं और इधर 5 राज्य हैं, यानी वेस्ट की ओर 5 राज्य, ईस्ट की ओर 4 राज्य, टोटल 9 तटीय राज्य हैं, कुल 9 तटीय राज्य हैं। तो सर उनमें से जो बंदरगाह आपके सामने है, यहां तक यही पढ़ रहे थे जब नेट कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो गया, तो कोलकाता पोर्ट, पारादीप पोर्ट, न्यू मंगलोर पोर्ट, कोचीन पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई पोर्ट, कांडला पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, इंदौर बंदरगाह या मोर्मगांव बंदरगाह या फिर पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। सर भारत सरकार ने बंदरगाह और बंदरगाह निर्माण और रख रखाव परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग से 100% FDI की अनुमति दी है। यानी कह सकते हैं कि जो सर बंदरगाह निर्माण और रख रखाव की बात करें तो यानी पोर्ट्स इन इंडिया में कितने परसेंट FDI है, तो 100% की FDI की बात करता है सरकार। कितने? 100% की FDI की बात करता है। हो सकता है ये पूछ दे आपके आने वाले पेपर में कि इनमें से किसमें 100% FDI है, तो बंदरगाह निर्माण और रखरखाव परियोजनाओं के लिए। इंदौर बंदरगाह को छोड़कर बाकी सभी प्रमुख बंदरगाह सरकारी प्रशासित है। मैंने कहा कि जो इंदौर बंदरगाह है वो इंदौर बंदरगाह कहां, इंदौर बंदरगाह को छोड़ दिया जाए तो सभी प्रमुख सरकारी प्रशासित है। यानी कुल मिलाकर 12-13 बंदरगाह है। ठीक है, 13 बंदरगाह है, 13 बंदरगाह में एक इंदौर बंदरगाह प्राइवेट बंदरगाह है। अब जरा सा आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि सर ये इंदौर बंदरगाह कहां है, जल्दी इंदौर बंदरगाह कहां है बताइए। सर इंदौर बंदरगाह की बात करें तो ये पड़ेगा तमिलनाडु। कहां पड़ेगा बच्चों? तमिलनाडु पड़ेगा। और कार्गो के आयतन के हिसाब से कांडला बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। अब आइए देखें सर, मद्रास बंदरगाह
भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है, देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह जिसे आज हम चेन्नई पोर्ट के नाम से जानते हैं, चेन्नई पोर्ट के नाम से जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। क्या बच्चों? कंटेनर बंदरगाह है, ठीक है। अब आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले फिर से मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सर अनकैडमी पे जुड़ोगे मजा आ जाएगा, जिस तरीके से वहां पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि टाइम कमी नहीं होता। यहां पे देखते हो जैसे 1:30 होना होता है, भागम भाग होता है, क्यों? उसके बाद आपकी दूसरी क्लास है, दूसरे लेक्चर है, लेकिन वहां मेरे पास इनफ टाइम है। 0 to 0 वाली बैच में बिल्कुल ज्वाइन करिए एसएससी में, ताकि सर आपका सिलेक्शन 100% हो। रोहित सर का विश्वास करिए, बाबा 10 कोड यूज करिए और आज ही ज्वाइन करें ताकि आपका देर ना हो सिलेक्शन में। पहला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या होगा? कांडला, ओखा, मुंबई या कोलकाता? द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करेंगे तो सर मुंबई बंदरगाह होगा। मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को जानते हैं हम नहवा सेवा के नाम से। सर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया एंड इज ऑल्सो नोन बाय नहवा सेवा, इट इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है और इसे नहवा सेवा द्वारा भी जाना जाता है, या महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। भारत के 12 सार्वजनिक बंदरगाहों और देश के समग्र कंटेनरीकृत महासागर व्यापार के लगभग 40% हिस्से पर कुल कंटेनर आयतन के आधे से अधिक हिस्सा है। सोचो कितना बड़ा बंदरगाह होगा ये। तो मैंने कहा कि कुल मिलाकर 13 बंदरगाह हैं, 13 में 12 सरकार देखेंगी और एक इंदौर बंदरगाह जो प्राइवेट है, कहां? तमिलनाडु में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, माहे एंड यनम आर द पार्ट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ, माहे और यनम किस केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, दमन और दीव और पुडुचेरी। हमें लगता है कि ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको करा चुका हूं कि माहे और यनम किस केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? माहे और यनम की बात करेंगे बच्चों तो ये पुडुचेरी जाएगा, और पुडुचेरी एकमात्र यूटी है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। कहां? माहे, पुडुचेरी जो केरल में पड़ेगा, तमिलनाडु, कराईकाल और पुडुचेरी तमिलनाडु में पड़ेगा, और यनम की बात करें ये भी पुडुचेरी का भाग है जो आंध्र प्रदेश में है, जो आंध्र प्रदेश में है। सोचिए 3 भागों में फैला हुआ है पुडुचेरी, 3 भागों में फैला हुआ है पुडुचेरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रमुख बंदरगाहों को एकीकृत ड्रेजिंग सेवाएं कौन सा संगठन प्रदान करता है? विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड ड्रेजिंग सर्विसेज टू द मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या शिपिंग मंत्रालय? भारत के प्रमुख बंदरगाहों की बात करें तो ये ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कौन करेगा, सेवाएं प्रदान करेगा? ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1976 में भारत में देश के प्रमुख बंदरगाहों को ड्रेजिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। कब किया गया था? 1976 में किया गया था, ईयर याद रखना। ठीक है, देखो मैं समझ रहा हूं कि ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको मजा नहीं आता है क्योंकि सर मैं आपके कमेंट्स ले नहीं पाता हूं, लेकिन क्या करें, क्लास ना मिलने से अच्छा है कि रिकॉर्डेड वीडियो ही सही है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, कोचिन बंदरगाह या न्यू मंगलौर बंदरगाह? तो कौन सा विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह है? तो हैंडलिंग बंदरगाह की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है।
कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। समझ नहीं आता है कि विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसे जेएनपीटी के रूप में भी जानते हैं, जिसे नहवा सेवा के रूप में भी जाना जाता है, भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। पढ़ाया था ना अभी कुछ देर पहले पढ़ाए हैं। तो ये ऐसा पार्ट है जो रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइडल पोर्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? कांडला, कोच्चि, तुतिकोरिन, एन्नौर। कौन सा टाइडल पोर्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइडल पोर्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? तो ज्वारीय बंदरगाह की बात करेंगे तो ये सर कांडला बंदरगाह होगा। क्या होगा? कांडला पोर्ट होगा, कांडला बंदरगाह होगा, कांडला बंदरगाह होगा। तो कांडला कहाँ है सर? कांडला गुजरात में है, जिसे एक नया नाम से जाना जाता है। जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका नया नाम क्या है कांडला का, कांडला का नया नाम क्या है, कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है। ज्वारीय बंदरगाह वे बंदरगाह हैं जिनमें बंदरगाह के भीतर जल स्तर समुद्र के ज्वार के साथ बदलता है। जैसे जैसे ज्वार बढ़ेगा समुद्र का जल स्तर क्या होगा, उसमें कमी और बढ़ोतरी देखने को मिलता है। इट इज ऑल्सो अ प्लेस फॉर वेयर द एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टाइडल वेव्स विच इज नोन एज टाइडल एनर्जी। यह एक ऐसी जगह भी है जहां पर ज्वार की लहरों से ऊर्जा निकलती है, जिसे ज्वार की ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। एक सर कलकत्ता बंदरगाह का भी नाम बदला है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह हुआ है। आपको बताना है कांडला का नया नाम क्या होगा। मुंबई के बाद भारत में कौन सा कृत्रिम बंदरगाह और दूसरा सबसे बेस्ट बंदरगाह है? विच इज द आर्टिफिशियल पोर्ट एंड सेकेंड बिजिएस्ट पोर्ट इन इंडिया आफ्टर मुंबई। सोचो कृत्रिम की बात करता है, प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम, यानी हमने अपने जरूरत के हिसाब से बंदरगाह तैयार किया। तो मुंबई के बाद भारत में कौन सा कृत्रिम बंदरगाह और दूसरा सबसे बेस्ट बंदरगाह है? तो ये होगा मद्रास बंदरगाह, जिसे हम आज चेन्नई बंदरगाह के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चे। सर चेन्नई बंदरगाह भारत में दूसरा सबसे बड़ा और तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह है। तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह और दूसरा सबसे बड़ा, तो पहला सबसे बड़ा क्या होगा? नहवा सेवा, जो महाराष्ट्र मुंबई में लोकेट है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कौन सा भारतीय बंदरगाह लोहे और एल्यूमिनियम के निर्यात को संभालता है, हैंडल करता है? विच इंडियन पोर्ट हैंडल्स एक्सपोर्ट ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में से कौन सा भारतीय बंदरगाह लोहे और एल्यूमिनियम के निर्यात को संभालता है? तो ये क्या होगा? कोलकाता बंदरगाह। क्या होगा? कोलकाता बंदरगाह, जिसे हम आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस भारतीय बंदरगाह को ट्रेड फ्री जोन घोषित किया गया है? विच इंडियन पोर्ट इज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज ट्रेड फ्री जोन? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, तुतिकोरिन बंदरगाह या एन्नौर बंदरगाह? तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है उसे ट्रेड फ्री जोन घोषित किया गया है। समुद्री और अंतर्देशीय टर्मिनलों के प्रमुख वैश्विक ऑपरेटरों में से एक लॉजिस्टिक्स हब स्थापित करने में रुचि रखता, जो मुंबई में जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल में मुक्त व्यापार क्षेत्र का प्रबंधन भी करता है। तो कहां? महाराष्ट्र में, ठीक है बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन देखने के बाद मुझे बहुत मजा आता है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ ज्यादा सोचना पड़ता है, ज्यादा जानकारी जुटानी पड़ती है। तो कहता है कौन सा कथन सत्य है, हल्दिया भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है? चलिए ये देखें, यह भारत और एशिया का पहला EEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या इट इज अ रिवराइन पोर्ट है, या एक नदी का बंदरगाह है। क्या होगा?
तो सर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, वन और थ्री क्यों नदी का बंदरगाह, क्योंकि ये हुगली नदी पर है, ये हुगली नदी पर है जो गंगा कटकर जाती है, वेस्ट बंगाल में हुगली के नाम से जानते हैं, और हल्दिया भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, सर आदित्य मिश्रा जी को लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? समझना, कहता आदित्य मिश्रा जी लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो सर इसका मुख्यालय बिल्कुल आप सोचेंगे कहाँ, नई दिल्ली, क्योंकि लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी की बात कर रहा है, जबकि दिल्ली कोस्टल स्टेट नहीं है, कोस्टल स्टेट नहीं है। ठीक है सर, कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार आदित्य मिश्रा जी को लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच स्टेट इज इंडियाज ओल्डेस्ट पोर्ट, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह किस राज्य में है? अब ये क्वेश्चन पता है मैंने यह सोच के लगाया था, बनाया था, जो आपको लगेगा जब आप लाइव होते तो मजा आ जाता इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि सर सबसे पुराना बंदरगाह गुजरात। कैसे गुजरात? कांडला। अरे भैया लोथल बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुराना है, सबसे पुराना बंदरगाह लोथल बंदरगाह किस राज्य में है? ये गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता से भी कुछ पुराना है क्या? नहीं है ना। तो भारत में सबसे पुराना बंदरगाह लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था, और जो आज के गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। किस नदी के किनारे था? तो ये भोगवा नदी के किनारे। ठीक है बच्चे, विच पोर्ट्स आर सिचुएटेड एट द माउथ ऑफ द जुआरी रिवर, जुआरी नदी के मुहाने पर कौन से बंदरगाह स्थित है? मोरमुगाव, कांडला, कोच्चि, या इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन मैंने ऐसे सोच के बनाया था कि जब लाइव क्लास होगा तो बच्चे से मैं गलती कराऊंगा, उन्हें ज्यादा जानकारी दूंगा। तो जुआरी नदी कहाँ की है? जुआरी नदी गोवा की है। जुआरी नदी कहाँ की है? गोवा की है। तो मारमुगोवो बंदरगाह कहाँ है? ये गोवा में लोकेट है। कहाँ है? गोवा में स्थित है। यानी सर मारमुगाव बंदरगाह जुरी नदी के मुहाने पर या जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है, और कोलकाता बंदरगाह NH-41 से जुड़ा हुआ है। तो NH-41 कहां कहां? राष्ट्रीय राजमार्ग 41, राष्ट्रीय राजमार्ग 41 है ना, 41 है। भारत में प्राइमरी नेशनल हाईवे है जो पूरी तरह से गुजरात राज्य में चलता है, गुजरात राज्य में मौजूद है, यानी समकियाली से शुरू होकर नारायण सरोवर पर समाप्त होता है। सोचो कितने लंबे पोर्ट होंगे, यहां गुजरात है, यहां वेस्ट बंगाल। किस शहर को भारत के बंदरगाह शहर के रूप में जाना जाता है? न्यू मंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, मुंबई। तो विच सिटी इज नोन एज पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया, किस शहर को भारत के बंदरगाह शहर के रूप में जानते हैं? तो हम जानते हैं इसे विशाखापट्टनम के नाम से, वाइजाक के नाम से। कहां? तमिलनाडु में है। तो वाइजाक यानी आंध्र प्रदेश का एक तटीय बंदरगाह शहर है जो राज्य के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है, पूर्वी घाट की पहाड़ियों और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। ठीक है बच्चे, भारत का सबसे नया बंदरगाह कौन सा है? चलिए एकदम नया, कांडला, ओखा, तुतिकोरिन, कोच्चि। चलो बच्चों बताओ क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा। तुतिकोरिन बंदरगाह जो तमिलनाडु में पड़ेगा सबसे नया बंदरगाह है। ठीक है, तूतीकोरिन पोर्ट में एक नया बंदरगाह है जो हाल ही में तमिलनाडु में बनाया गया था, और यह भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। यह पुराने तूतीकोरिन बंदरगाह के दक्षिण में 8 किलोमीटर दूर पर एक कृत्रिम बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा बंदरगाह भारत से लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक है? मोरमुगाव, कांडला, कोच्चि, या इनमें से कोई नहीं। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर फ्रॉम इंडिया, ये मोरमुगाव है जो गोवा में लोकेट है। तो सर कहता है कि मोरमुगाव बंदरगाह गोवा का प्रमुख बंदरगाह है, और बंदरगाह भारत के लौह अयस्क निर्यात का लगभग 50% निर्यात करता है, जो दुनिया के पहले 10 टॉप आयरन ओर एक्सपोर्टर कंट्री के भीतर हम अपनी रैंक रखते हैं। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुगल काल के दौरान सबसे बड़ा बंदरगाह था?
चटगांव, बालासोर, सूरत या हुगली? सर सोचिए ना इस क्वेश्चन को क्यों लाया गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहला अपना जो बंदरगाह, अपना शहर बसाया था, फैक्ट्री लगाया था, कहाँ लगाया था? सूरत में 1608 में, सबसे बड़ा था तभी तो। जो कहां पड़ता है ये? गुजरात में। कहां? गुजरात में। पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स? पोर्ट ब्लेयर की बात करेंगे तो ये कहां होगा बच्चे? ये दक्षिणी अंडमान में होगा। सब कैसे? पोर्ट ब्लेयर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, या दक्षिणी अंडमान द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है? इमेज में देखते हैं तो दक्षिणी अंडमान की बात किया सर, ये नॉर्थ अंडमान है, ये मिडिल अंडमान, और ये साउथ अंडमान, और ये लिटिल अंडमान। तो साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर लोकेट है, स्थित है। ठीक है बच्चे, चलिए। तो ये रहा सेशन आज का, जो आपको रिकॉर्डेड मोड में मिला, आपकी क्लास का नुकसान नहीं हुआ, ये मुझे कम से कम ये मुझे अच्छा लगा। अदरवाइज क्या होता कि सर आया गया, आए भी सर और क्लासे भी नहीं मिला, क्लास मिल गया। कमेंट बॉक्स में बताना कि ये लेक्चर कैसे लगे आपको, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चाहते हो सर मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ अनअकैडमी पे, तो बिल्कुल जुड़िए, क्योंकि डीआरडीओ, एसएससी, रेलवे तीनों जो आप तैयारी करते हो ना एक साथ, तीनों की तैयारी मेरी जिम्मेदारी। तो बिल्कुल एसएससी का जो पैक है, एसएससी में इनरोल होइए, अपने आप को गोल में एसएससी में डालिए, बाकी बात सिलेक्शन खुद ब खुद हो जाएगा। तो क्या करना होगा, अनअकैडमी लर्निंग आपको डाउनलोड करिए, उस फिर उसे इंस्टॉल करके ओपन करें। ओपन करने के बाद मोबाइल नंबर डालें, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सर मैनेज गोल, तो मैं कहता हूं बच्चों ये एसएससी का है, ये एसएससी से रेलवे है, ये एसएससी अपना गोल बनाओ यार। एसएससी मजा आ जाएगा, एसएससी में अगर पढ़ोगे इतना डेप्थ पढ़ाएंगे हम, ठीक है। और अगर डीआरडीओ चाहते हो तो ये सीडीएस एपकेट। सबसे बड़ा फायदा कि एक साल में जितनी वैकेंसी आएंगी एसएससी की सब कवर करोगे, और मैं तो बीच बीच में तो लाता रहूंगा टेस्ट वगैरह, आपको पता ही है। तो गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद कितने मंथ का, तो सर पीटी के बाद मेंस कहाँ जाएगा, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ 12 महीना, 12 महीना करेंगे। रेफरल कोड में BABA10 यूज करेंगे, अप्लाई करने मत भूलना, अदरवाइज 10% नहीं कटेगा। प्रोसीड टू पेमेंट, 6,000 फी एसएससी का घटकर हो जाएगा 5,400, जैसे पेड करिए, अगर क्रेडिट कार्ड है तो ईएमआई, या फिर डेबिट कार्ड, यूपीआई, जैसे करना चाहें आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हाउ वाज द सेशन, सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।